नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन और स्वागत है आपको मेरे चैनल नितिन वल्थरे में। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि मैंने बेसिकली एक वेबसाइट बनाई थी, अभी 6 से 8 महीने हो गए, इस पर रिस्पांस काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो बेसिकली ये वेबसाइट जो है मैंने बनाई है आप ही के लिए सिर्फ। यहाँ पर मैं नॉलेजेबल और ट्रस्टेड नॉलेज आपको शेयर करते रहता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर बेसिकली ये जो वेबसाइट है मैंने बनाई है टाइपिंग के लिए। सो देखिए, यहाँ पर ऊपर में जो मेन्यूज़ लगे वो टाइपिंग से रिलेटेड ही है। तो यहाँ पर मैं जिससे TBC 30 वर्ड पर मिनट की फॉर्मेटिंग, 40 की फॉर्मेटिंग, 50 की फॉर्मेटिंग, उसके बाद टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ाया जाए, ये सब कुछ चीज़ें यहाँ पे मैंने 5-6 महीने की मेहनत के बाद यहाँ पे मैंने पोस्ट डाली है। तो देखिए, यहाँ पे जिससे TBC पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगी टाइपिंग से रिलेटेड पोस्ट। उसके बाद 30 वर्ड पर मिनट फॉर्मेटिंग पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी लेटर और स्टेटमेंट की फॉर्मेटिंग 30 वर्ड पर मिनट की। आप उन्हें पढ़ सकते हैं। वहाँ पे मैंने एक इमेज भी डाली है जहाँ पे बिल्कुल आसान तरीके से आपको फॉर्मेटिंग समझाई गई है। तो मैंने इस पर काफ़ी मेहनत की है। उसके बाद 40 वर्ड पर मिनट की फॉर्मेटिंग यहाँ पर आपको मिल जाएगी। यहाँ पर 40 वर्ड पर मिनट फॉर्मेटिंग पर आप क्लिक करते हो तो स्पेशल स्किल पे क्लिक करते हो, यानी कि 50 वर्ड पर मिनट की एग्ज़ाम। यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, बैलेंस शीट होती है और यहाँ पे टेंडर नोटिस की फॉर्मेटिंग मैंने यहाँ पे डाल रखी है। यहाँ पे मार्किंग सिस्टम, उसके बाद क्या क्या होता है, कितने मार्क कट होते हैं रॉन्ग टाइपिंग पे, तो सभी चीज़ें मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान में रखते हुए यहाँ पर मैंने पोस्ट बनाई है। उसके बाद टाइपिंग स्पीड को किस तरह से बढ़ाना है ये भी इससे रिलेटेड मैंने पोस्ट यहाँ पे बनाई है। और ऐसे जो आपके काम की इंफॉर्मेशन है यहाँ पे मैं पोस्ट करते रहता हूँ। उसके बाद गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स जो होती है, यहाँ पे कौन कौन से एग्ज़ाम होती है उससे रिलेटेड भी मैं पोस्ट डालता हूँ। जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम आपके काम की हो सकती है, उस यानी कि उस एग्ज़ाम में क्या क्या होता है, क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है, सभी इसकी जो डीप इंफॉर्मेशन होती है वो मैं इस वेबसाइट पर पोस्ट करते रहता हूँ। तो आप इस वेबसाइट को बुकमार्क कर सकते हो और विजिट करके डेली देख सकते हैं कि किस तरह से मीन्स नए नए जो पोस्ट आते रहते हैं उनको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होगा टेक्नोलॉजी में तो टेक्नोलॉजी रिलेटेड भी पोस्ट मैं डालते रहता हूँ, तो यहाँ पे आप टेक्नोलॉजी वाले सेक्शन में जाके पढ़ सकते हैं। और ये जो वेबसाइट जो मैंने बनाई है सिर्फ आप ही के लिए बनाई है, क्योंकि यहाँ पे जो है जो नॉलेज जो होता है इसको यहाँ पे पोस्ट में कन्वर्ट करने के लिए बहुत समय लगता है। लेकिन मैंने सोचा यार चलो आपके ही फायदे का हो जाएगा ये, और काफ़ी सारे जो स्टूडेंट रहते हैं या फिर कैंडिडेट रहते हैं उन्हें दिक्कत आ जाती है कि फॉर्मेटिंग समझने में, तो यहाँ पे आके एक ऐसा प्लेस हो जाएगा कि आप इजीली कभी भी 24 घंटे में से यहाँ पे आके विजिट करके हमारे वेबसाइट आप पोस्ट पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरह से फॉर्मेटिंग की गई है। सो ये वेबसाइट मैंने सिर्फ आप ही के लिए यहाँ पे बनाई है। तो ये स्पेसिकली डेडिकेटेड है टाइपिंग के लिए गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, और बाकी टेक्नोलॉजी रिलेटेड पोस्ट भी मैं इसी पर डालते रहता हूँ, तो वो एक ऑप्शनल हो गया। लेकिन यहाँ पे जो बेसिकली पोस्ट आती है वो टाइपिंग से रिलेटेड आती है। इस तरह से ये वेबसाइट है मेरी, तो आप विजिट कर सकते हैं इस वेबसाइट को। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और यहाँ पे भी डिस्प्ले हो रहा होगा। तो ये कम्प्लीटली आप पे है, अब आपको विजिट करना है या नहीं करना है। मैंने सिर्फ ये जो इन्फॉर्मेशन था यहाँ पे, अपना नॉलेज यहाँ पे मैंने पोस्ट किया है, आप उसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये कम्प्लीटली आप पे डिपेंड है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। और इसी तरह से GCTB से रिलेटेड नॉलेज पाने के लिए हमारे चैनल नितिन वल्थरे को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।